और उसने बोला सर एक कॉन्डम दे दो बंदे ने पूछा कौन सा फ्लेवर तो ये मेरी तरफ घूम के बोलता है कौन सा फ्लेवर चाहिए तुमको oh, <laughs> मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए हे हेलो एवरीवन दिस इज़ बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगम और आज मेरे साथ जनहित में जारी के बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं अनुज सिंह एंड हम सबकी चहेती और बहुत ही प्यारी सी नुशरत भरूचा <laughs> You know, सबसे पहले पहले तो ट्रेलर 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 जो देखा मैंने बहुत ही ही कमाल का ट्रेलर है, है, है धमाकेदार दिल <laughs> दहला देने वाला है और साथ काफी शॉकिंग भी। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा, से जानना एंड फीडबैक्स कैसे रहे? कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थे हाँ, मतलब, उन्होंने कॉन्डम uh, का uh, हमारे देश में एक ही मतलब आता है एक ही दिमाग में आता है वो है सेक्स और सेक्स की बात करो तो सब मुँह छुपा लेते हैं <laughs> पता नहीं क्यों करते सब है बट छुपाना सबको होता है आई अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दैट तो उस पर बहुत सारे सेक्शुअल कॉमेंट्स आए थे और बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी um, फिर जब ट्रेलर आया तो सबके ओपिनियंस और सबका माइंड उसी से चेंज हुआ बट दैट वॉज द पॉइंट ऑफ इट हमने हमें पता हमने फिल्म क्या बनाई है हमें पता है कि इट्स अ फैमिली फिल्म जहाँ अगर हम आपसे कह रहे हैं कि सेक्स और कॉन्डम और ये सब नॉर्मलाइज होना चाहिए इसकी बातें नॉर्मलाइज होनी चाहिए तो कैसे हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो आप देख ही नहीं सकते ऐसे कैसे हो सकता है इट हैज़ टू बी समथिंग दैट द होल फैमिली के इंसिडेंट वॉच एंड इट्स इट्स डन इन द राइट लाइट एंड आई थिंक वही राइट लाइट मिसिंग थी जो जो हमने इस फिल्म में करने की कोशिश की है तो जब ये अप्रोच सब्जेक्ट अप्रोच किया था तो क्या ये भी रीजंस थे आपके पास कि कभी अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस तरह की फिल्में नहीं बनी है यार तो वो रीज़न शायद राज सर का रहा होगा बिकॉज कॉन्सेप्ट उन्होंने सोचा फिल्म उनको बनानी थी uh, मैंने बस फिल्म के वन लाइनर और ये जान के राज सर की राइटिंग है एंड अब ये सेम चीज़ हम एक कॉमेडी uh, के थ्रू और एक लाइट ह्यूमर के थ्रू लोगों तक पहुँचाएंगे वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ड्रीम um, गर्ल I mean, like, uh, उसमें एंड में भी मैसेज था yeah. जो हम कहने की कोशिश कर रहे थे बट वो पूरा ह्यूमर में ही किया था हमने तो मुझे वो एक वेपन uh, कह लो या एक तरीका कह लो या एक टेक्निक कह लो मेकिंग फिल्म और टेलिंग स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है टू पिक समिंग एंड उसके सेट इन डिफरेंट वे आई थिंक बाकी सब चीज़ें ना आपकी ईगो को अफेक्ट करते हैं नो बड़ी लर्न मुझे hmm. जीना मत सिखा बट दिन लाइटली वि द अदर पर्सन बिकम्स मोर एक्सेप्टेंड ट्ड इट जी देर लाइक एन इट दिसर लाफ विद यू दे अग्री विद यू नो देव ऑलरेडी इन एंड ऑल ऑफन देर नॉट वे डोट फील वेबल एनी मोर बिकॉज यू आरसो लाफिंग विदेम बट एट द सेम टाइम आर ट्राइन टू मेक दम अवेयर लट्ठ मार के काम नहीं कर पा रहा है कोई प्यार सी चीजें हो रही हैं जी सो टू थाउजेंड में एक फिल्म आई थी ख्वाहिश यू नो जिसमें मलिका शेरावत को फर्स्ट टाइम हिंदी सिनेमा में दिखाया गया था कि एक लड़की जाती है केमिस्ट शॉप पे क्वान्डम के बारे में बात करती है मांगती है उसके बाद बहुत बवाल हो गया था लेकिन साथ ही एक्सेप्टेंस भी बहुत हुआ था कि फ़ाइनली हिंदी सिनेमा में किस एक ऐसा डेरिंग शॉट आया बट उसके बाद आज बीस साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गए एक फिल्म नहीं बनी है जहाँ पर मेन फीमेल लीड प्रोटेगनस्ट है जो इसके बारे में बात कर रही है क्या रीज़न लगता है आपको Uh, मुझे रीज़न वही लगता है यार कि हमने इस चीज़ को अब तक एक्सेप्ट uh, नहीं किया हमने इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं किया है और हम एक लड़की क्वान्टम बेचती है मे भी हम सेक्स ढूंढेंगे hmm. जबकि एक लड़की क्या करी एक एक, प्रोडक्ट एक बेच रही ना प्रोडक्ट ही है ना उसको बेच रही है अगर उसको उसी कंपनी में नौकरी मिली है तो उसमें गलत क्या है वॉट इज़ रॉन्ग इन दैट जस्ट बिकॉज हम वो नज़रिया अब तक बदल ही नहीं पाए आई थिंक इसलिए हमें इतने साल लगे टू डू दिस अगेन

और फिर मैं शूटिंग नहीं कर पाई तो पैकअप करना पड़ा एक महीने बाद हमने मारा गाना शूट करना, दूर्ण करना, दूर्ण करना जब तक पैर ठीक हुआ तो I mean, ये सारी चीजें मुझे है 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 क्यों हो रही है? से हो रही रही से पहला दिन वगैरह कौन कौन आ गए थे उठ के लोगों को पता चल गया नुसरत भरूचा की खत्म पैर में अब कोई आके मैं आपकी नस खींच देता हूँ <laughs> मैं आपका पैर मरोड़ देता हूँ बट वहाँ की साड़ी सारी, सारी शॉप में भी लोगों को पता था कि नुशात का पैर मुड़ा है तो मेरी hmm. कोई एक हेयर स्टाइलिस्ट गई थी कोई साड़ी खरीदे तो वहाँ वो शॉप पूछता मैम का लेग कैसा है तो सब पता है

तो मैंने कहा ah, हाँ सो <laughs> फिर so मैं वहाँ बीच में नाच रहा हूँ सबके सामने एंड तब ऐसा लगा था कास्ट डांस क्लास वगैरह चला जाता बिकॉज आई मीन देर बिकॉज दिस एन एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग तो उसमें इतना ध्यान ही नहीं गया कि यू नो यू यू गॉट यू गेट सो फोकस्ड ऑन वट्स इन फ्रंट ऑफ यू एट हैंड कि यू फोगेट वॉट लाइज अड आई थिंक वंस आई डिड रीच चंदेरी एंड आई फाउंड आउट कि ठीक है अभी कल मशरत आ रही हैं एंड देन आई वॉज टू शूट विद हर how what kind of a person will she be will it be easy will there be is she a star who has a lot of ego who will be so difficult to get along with ki you know because mm. everything depended on our chemistry uh, especially those initial initial scenes that we had to do so had she not been this person that she is easy going and easy to go to mere khayal se tick list pehle hi fart se pehle but in she in has this way. very strong face huh? so you my you she i mean you would get intimidated even before approaching her uh, is it because in a, in a good the, way because of the her roles in pyar ka panchnama and sonu aur shayad wo kahin pe no no somewhere in real life i am a certain way which is unlike anything you've seen on screen correct एंड बेसिकली इसका जवाब ये है कि पहले आईडिन केयर नुसरत थी कौन थी मुझे पिक्चर मिल गई मैं हीरो बन के आ गया <laughs> मिलने के बाद अरे तू तो नुसरत है तब सोचो थे। बोल के नहीं देता तू तो सच इतना घुमा घुमा के घुमा घुमा <laughs> के

मैं जहन में थी और जहन में बहुत प्रैंक्स खेले जाते थे आ, पता नहीं क्यों मतलब मुझे तो एक टेबल में कॉलेज के बीचों बीच टेबल के ऊपर चढ़ के वॉकमैन कान में पहन के नाचने को बोला गया था जब तक स्टॉप नहीं बोलते वो hmm. और ऑब्वियसली और किसी को तो म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है तो सब ऐसे देख रहे हैं कि ये तो क्या क्या कर <laughs> ऐसे <laughs> uh, ही किसी को मैंने कॉलेज में मैंने एक डेर दिया मैंने कहा जा एक कॉन्डम का पैकेट खरीद के ला और तू बकायदा वहाँ मांगेगा कॉन्डम ऐसे नहीं के पॉइंट करके मैंने कहा पूरे शब्द बोलने पड़ेंगे कॉन्डम का पैकेट मुझे चाहिए Uh, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ तो ये थी, हाँ ठीक है डन डन मैं कर लूंगा इसमें क्या है डेर है मैंने कहा चलो ठीक है और वो एक केमिस्ट में घुसा और uh, हम चार पांच लोग बाहर खड़े थे एंड ही तू अंदर आ बिकॉज तुझे देखना है ना कि हाँ। तो 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 आंखों से नजरों के सामने होना चाहिए मैंने कहा ठीक है तब तो अंदर गई और मैं खड़ी हूँ मैं कुछ और ऐसे ऐसे देख रही हूँ वो वहाँ खरीद रहा है और उसने बोला अब सर एक कॉन्डम दे दो बंदे ने पूछा कौन सा फ्लेवर तो ये मेरी तरफ घूम के बोलते कौन सा फ्लेवर चाहिए तुमको मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए